हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल सुपर ब्लॉग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज रात में एक मिला, तो उनका कोई रिलेटिव का शादी है, तो मुझे भी इनविटेशन दिया गया। तो मैं सोची थी पहले कि नहीं जाऊँ, क्योंकि ठंडा है और बहुत नाइट में जाना होगा, लड़की का शादी है। तो मैं सोची कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, छोटा बच्चा है साथ में, फिर कहाँ रहेंगे, फिर ठंड भी है, जाने में दिक्कत होगा। तो इसके वजह से मैं सोची थी कि नहीं जाऊँ। और तो लेकिन बगल के मेरी एक फ्रेंड, वो लोग सब जा रहे हैं, तो वो बहुत फोर्स कर रहे कि अकेले हो जाएंगे, चलो। तो फिर अभी मतलब इवनिंग टाइम मैं डिसाइड की कि जाऊँगी, और अभी तक मैं गिफ्ट सब कुछ भी रेडी नहीं की हूँ। जस्ट अभी नहा के धूप में बैठी हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि शादी में चलो। अभी मैं नहा के आई हूँ, धूप में बैठी हूँ, क्योंकि हेयर धोई हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, और धूप भी ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का हल्का धूप है, तो भी मैं धूप में बैठी हुई हूँ, ये देखिए छत पे। और अभी उन्होंने बोला कि शाम में 6-7 बजे चलना है, तो फिर मैं बोली कि मैं सोच के बताऊँगी नीचे, और अपने ड्रेस सब रेडी करूँगी कि क्या पहन के जाना है, क्या क्या पहनूंगी, ऐसा कुछ भी मैं अभी डिसाइड नहीं की हूँ। गिफ्ट के लिए भी डिसाइड नहीं की हूँ अभी, तो सबसे पहले जाके मुझे अभी जाना होगा, गिफ्ट लाना होगा, पैकिंग सब कराना होगा, गिफ्ट रेडी कर लूँगी तभी मैं ड्रेस रेडी करूँगी। और शाम 6-7 बजे भी रेडी होंगे, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और अभी कम से कम 4:35 होने आया, तो अभी मैं जाऊँगी जल्दी सब कुछ रेडी कर लूँगी। हो सके कि मैं गिफ्ट लेने शादी घर में जाके मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि दुल्हन कैसी रेडी हुई, स्टेज कैसा है, डेकोरेशन कैसा है, वहाँ का कैसा माहौल है। तो फिर चलिए, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, कंटिन्यू। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हम लोग पहुँच गए, और यहाँ पे बारात आ गया है, और दूल्हा जो स्टेज पे है, डेकोरेशन ऐसा किया गया है स्टेज का, आप लोग देख सकते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, ये देखिए अभी जयमाला का टाइम हो गया, और दुल्हन अभी आ रही है स्टेज की तरफ, जयमाला होगा, और जयमाला होगा और हम लोग तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटो नहीं मिलेगा। तो हम लोग जस्ट सिर्फ जयमाला का ही वेट कर रहे थे। प्लीज आगे से रास्ता क्लियर कर दीजिए, ताकि हमारी दुल्हन साहिबा स्टेज तक आराम से आ सके बिना किसी परेशानी के। स्टेज के पास लेके आएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है
कि प्लीज आप लोग स्टेज पे भीड़ इकट्ठा ना करें, जयमाल के वक्त सभी लोग प्लीज नीचे रहें ताकि जयमाल का जो रस्म हो सभी लोग उसको देख सकें और इस मोमेंट को अच्छे से हम सभी लोग और मेमोरेबल बना सकें। तो फाइनली फ्रेंड्स, दुल्हन जो स्टेज पे आ गए, रवि जयमाला जयमाला का टाइम हो गया। और जो जयमाला के वक्त का वीडियो था मैं शूट नहीं की, क्योंकि जयमाला का जो डायरेक्शन था वो ऑपोजिट साइड हुआ, तो मैं जब वीडियो ले रही थी तो वो बैक साइड हो जा रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं ली। और अभी जस्ट जयमाला होगा, हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।